सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL को दिए गए लोन अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA घोषित हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। खबर सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL से जुड़ी हुई है। वो कंपनी जिसके पास नवरत्न का दर्जा है, उसको दिए गए लोन अब NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं। बीते अगस्त में MTNL को दिए गए लोन को कम से कम आधा दर्जन लेंडर्स ने NPA डिक्लेयर कर दिया है, जिसके कारण सरकारी दूरसंचार कंपनी ने डेट रिकास्ट प्लान का प्रस्ताव रखा है। MTNL की तरफ से ड्यूज का 40% भुगतान करने की पेशकश की गई, हालांकि देनदारों ने लेने से मना भी कर दिया। इसको लेंडर्स का कहना है कि MTNL जैसी पावरफुल कंपनी की तरफ से लोन चुकाने में 60% की कटौती बहुत अधिक है। पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी जिसकी एक समय पर दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन कनेक्शन पर मोनोपोली थी और जिसे अभी भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, वो MTNL, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए मिस पेमेंट्स को रेगुलराइज करने में भी नाकाम रही है। यानी जो पेमेंट्स मिस हो गए उनको अब तक रेगुलराइज नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि MTNL ने 7,925 करोड़ रुपए के बकाया उधार पर 518 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है। स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर की माने तो MTNL की टोटल फाइनेंशियल डेट 31,996 करोड़ रुपए है। आपको ये भी बताते चलें कि MTNL में सरकार की 56% की हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी पब्लिक की है। एक बैंकिंग अधिकारी ने बताया कि MTNL ने वित्तीय संकट के शुरुआती संकेत के बाद ही आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का 40% वन टाइम सेटलमेंट करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लेंडर्स की तरफ से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और फुल सेटलमेंट की मांग की गई थी। इससे पहले किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक ने किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। MTNL द्वारा जारी किए गए 27,739 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर बिना शर्त सरकारी गारंटी है, लेकिन लोन की कोई गारंटी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी MTNL के लोन्स को NPA में बदल दिया और बॉन्ड सर्विस के बदले गवर्नमेंट फंड्स के लिए एक थर्ड पार्टी अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। शेयर मार्केट में MTNL का हाल कैसा है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बीते एक महीने में शेयर ने 10.93% की गिरावट दिखाई है बाजार में। हालांकि अगर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो इसमें 45.25% की तेजी भी देखी गई। बीते एक साल में इस स्टॉक ने 115.51% की बढ़त दिखाई है। BSNL के बाद MTNL पब्लिक सेक्टर की दूसरी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन 4G सेवाओं के पॉपुलर होने के बाद MTNL ने फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड सेगमेंट में तेजी से अपने ग्राहक खो दिए। कंपनी ने अपनी हाल ही में आई एनुअल रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी का मौजूदा नेटवर्क पुराना हो गया है। पिछले 12 सालों के दौरान भारी कर्ज के बोझ और बार बार हो रहे घाटे के कारण फाइनेंशियल क्रंच भी पैदा हो गया है, जिससे MTNL अपने नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेड और एक्सपेंशन में निवेश करने में असमर्थ है। MTNL और BSNL को रिवाइव करने के लिए सरकार भी 4G को जल्द से जल्द रोल आउट करने की कोशिश में है। MTNL का ऑपरेशंस फिलहाल BSNL संभाल रही है और कंपनी का कहना है कि वो दिल्ली और मुंबई में MTNL के लिए अलोकेट किए गए 4G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करेगी। तो MTNL का रिवाइवल सरकार पूरी तरह से इस पर फोकस कर रही है, लेकिन बैंक्स कहीं ना कहीं MTNL को लेकर निराश नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या MTNL के 40% सेटलमेंट वाले प्लान पर बैंक्स हामी भरते हैं या सरकार का कोई इंटरवेंशन होगा, ये पूरी तस्वीर भी जल्द साफ होने की उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या MTNL एक बार फिर से रिवाइव हो पाएगी? जिस तरह BSNL में तेजी से 4G और 5G का काम शुरू हो चुका है, क्या MTNL भी उसी रास्ते पर आगे चल पाएगा? सरकार की मदद MTNL को भी मिल पाएगी, या फिर जिस तरह से बैंक्स ने इसके लोन को NPA में बदल दिया है उससे MTNL की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।